हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स कुश्ती में। आज का जो सेशन है दोस्तों, वो होने जा रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि पे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पर दोस्तों पार्ट 30 है। तो यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग दोस्तों राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर आज हम लोग क्वेश्चन 146 से क्वेश्चन 150 करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन 146 रहा। हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय देंगे, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसको बनाना कैसे दोस्तों वो समझिएगा, ठीक है। तो समय से समाप्त हो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे सीपी लिखिए, यानी कॉस्ट प्राइस लिखिए, और यहाँ सेलिंग प्राइस लिखिए। अब क्या करता है कि एक विनिर्माता है जो लागत से 33.3%, तो 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 होता है। यानी तीन अगर सीपी है तो एक का लाभ कमाएगा, यानी 4 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, अब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये 300 बन गया, और 100 से यहाँ 400, क्योंकि रेशियो में है 304 है, तो कोई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 300 बन गया। अगर सीपी 300 है तो एसपी कितना है, 400 है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बढ़ा है, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है, यानी उत्पादन लागत पहले 300 था, अब 12% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 112% बढ़ रहा है, तो 300 का डायरेक्ट हम लोग 112% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो कितना आएगा दोस्तों, 112% बढ़ा दिए तो 112 × 3 करेंगे तो 3 × 6 और 3 × 3 336 हो गया। यानी अब हमारा जो लागत मूल्य कितना हो गया, बढ़ाने पे 12% 336 हो गया। और फिर बोला गया है कि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और अपना विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा जाता है। विक्रय मूल्य भी कितना बढ़ता है दोस्तों, तो 10% विक्रय मूल्य बढ़ता है। तो 400 का अगर 10% बढ़ रहा है विक्रय मूल्य, यानी 400 का हम लोग 110% निकालेंगे तब तुम्हारा निकल पाएगा। तो 400 का अगर 110% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, यानी आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 44 आ गया। 110 गुने कितना होगा, 110% है तो 110 हो गया। आप गुने में 110% यानी 400 × 110/100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 11 × 4 यानी 44 और 10 यानी 440 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि सीपी हमारे 336 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 440 है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लाभ परसेंट निकालने को बोल रहा है। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ बटा सीपी गुना 100। लाभ कितना कर रहा है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य अब 336 है और विक्रय मूल्य कितना, 440 है। यानी अगर हम लेंगे डिफरेंस, दोनों का लेंगे डिफरेंस लेंगे तो 440 में 336 घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा अगर 4 लेते हैं 40 हो गया, 104 आएगा। कितना दोस्तों, 104 आएगा, और कितना में, तो 336 में अब बटा में 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 104/336 अब गुना में 100 कर रहे हैं तो हमारा लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100। लाभ कितना का हो रहा है, तो 340 × 336 यानी 104 का बटा सीपी कितना, 336 है और गुना 100। तो सॉल्व करते हैं तो काटेंगे दोस्तों हम लोग 2 से काटते हैं, तो अगर 2 से काटते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, फिर 2 का 2 1 मरतबे, ये 13 हो गया, 2 × 6 = 12, 8 = 16, ठीक है। अगर हम लोग किससे काटें, 8 से नहीं, फिर अगर 2 से काटते हैं तो ये हमारा 26 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 84 हो गया। और फिर करते हैं दोस्तों, फिर काटते हैं आपका, तो ये हमारा कितना हो गया, दशमलव में आ रहा है क्या, तो हाँ कितना आ रहा है दोस्तों, ये अगर फिर 200 काटते हैं तो ये 2 का 2 कितना हो जाएगा। अगर 4 से डायरेक्ट हम लोग काटते हैं 100 को तो ये 25 कटा, ये कितना हो गया हमारा, 4 × 8 = 21, यानी 26 × 25/21 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 26 × 25/21 आएगा। तो फिर 26 × 25 करना पड़ेगा तो कितना आएगा हमारा, करके देखते हैं, 26 × 25 यानी अगर 250 में 200 कितना आएगा, 6 × 25 = 30, 0 × 3 = 5 = 10, 1 × 13 = 6 × 12 = 1 × 4 = 5 यानी 0 × 5 = 650 आएगा। कितना आ गया, 650/21, तो बराबर में 650/21 करते हैं तो 21 हमारा कॉमन हो गया। और फिर कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन देखते हैं तो 30 × 2 कितना आ गया दोस्तों हमारा, 30 21 आ गया।
और फिर कितना चाहिए 20 चाहिए, यानी 30 गुने 21 करते हैं तो कितना आता है हमारा 630 आता है, फिर 20 चाहिए यानी 30 होल 20 बटा 21 हमारा आंसर आ गया परसेंटेज में। तो कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर वो राइट आंसर है। तो दोस्तों इसमें सीखना क्या था, तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना 33% है, तो इसका लाभ हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है। तो तीन अगर क्रय मूल्य है, 4 SP हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, 300-400 मान लिए ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो। फिर बोल रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें हमें 12% का वृद्धि हो रहा है, तो 112% निकाल लिया, 336 हो गया। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य में भी 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 411% निकाल दिए तो 440 हो गया। अब बोल रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ क्या होता है, लाभ राशि 100, लाभ कितना का हो रहा है, तो 104 का हो रहा है, कितना में 336 100। अब ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए कितना आंसर आ गया हमारा, तो 30 होल 20/21% हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 146, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 147 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 147 इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। और दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है पढ़ देते हैं। ए है जो एक साइकिल बी को 20% लाभ पे बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि में बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल रुपीज पी में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो बनाने का प्रयास कर लीजिए। तो फ्रेंड्स समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं कैसे बनाना है इस प्रश्न को। तो ए है जो एक साइकिल को बी को बेच दिया 20% लाभ पर, तो तीन आदमी है दोस्तों, ए बी और सी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ए है तो साइकिल बी को बेचता है 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। यानी अगर ए 5 में खरीदा होगा तो 1 यूनिट का लाभ पे यानी 6 में बेच दिया होगा, बी को बेच दिया होगा। अब बी क्या करता है कि 25% हानि पर सी को बेच देता है, यानी बी भी क्या करता है 25% हानि बेचता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी अगर बी 4 में खरीदा हो दोस्तों तो सी को कितना बेचता है, 1 पे हानि में यानी 3 में बेचता है, 3 यूनिट में। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो वैल्यू है बी का ये तो बराबर होना चाहिए, तो क्या करेंगे दोस्तों बैलेंस कर लेंगे, यानी 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 12 आपको बनाना है, तो हमारा ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा, यानी सभी का यूनिट आ जाएगा। तो ए कितना आएगा, तो ए 10 आ गया, 5 × 2 = 10 आ गया। अब बी कितना आ गया, बी तो 12 आएगा क्योंकि 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 से यहाँ 12 हो गया। अब सी कितना आएगा, 9 यूनिट, यानी अब सभी का हमारा निकल के आ गया, मूल्य निकल के आ गया। यानी ए अगर 10 यूनिट में खरीद रहा है तो ए बी को बेचा 12 में, और बी क्या कर दिया, सी को बेचा है 9 यूनिट में। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक जो सी का जो मूल्य है वो कितना है, रुपीस पी है। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं 9 यूनिट है, यानी 9 यूनिट बराबर कितना है, रुपीस पी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो रुपीस पी। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा रुपीस पी बटा 9। ये तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये 9 सब यूनिट में है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सी का जो खरीदा है साइकिल का मूल्य उसका मूल्य कितना है, रुपीज पी है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, रुपीज पी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, रुपीज पी बटा 9 हो गया। अब हमें निकालना है कि ए है वो कितना में, उसका लागत मूल्य कितना था ए का, वो निकालना है कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू पता करना है। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर रुपीज पी बटा 9 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 से हम अप्लाई कर देंगे यानी रुपीज 10/9 पी, ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 147, जिसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो बहुत ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 148 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 148 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन वाइज प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से, यानी सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि सूची मूल्य पर बेचा जाता तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होता, ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, कैसे इसको बनाना समझिएगा। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL Tier 2 2015 पूछा चुका है, यानी मेंस एग्जाम में दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अब बनाइए दोस्तों कैसे इसको बनाना है। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है।
तो एक दुकानदार ने क्या किया कि अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। सबसे पहले यहाँ सीपी लिखिए, उसके बाद एमपी यानी सूची मूल्य, उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब हमें कितना का हानि हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है, ये बात समझिए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी अगर 5 में खरीद रहा है तो 1 का हानि हो रहा है, यानी 4 में बेच रहा है। अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों, कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य बेचा, यानी सूची मूल्य से आधे मूल्य बेचा, तो 4 बेच रहे हैं, यानी अगर सूची मूल्य 8 होगा तब तो आधा मूल्य बेच दिया, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, बस आपका आंसर आ गया। अब फिर क्या दिया गया कंडीशन, कि यदि दुकानदार क्या करे, सूची मूल्य पर ही बेचे, यानी 5 का खरीदा और 8 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ है ये हमें निकालना है। तो लाभ कितना का हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 5 पे, गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 60% दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था, यानी बेसिक लेवल का दोस्तों क्वेश्चन था। फिर से समझिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले 20% का हानि हो रहा है, तो हानि किस पे होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 में खरीद रहे हैं और 4 में बेच रहे हैं। अब बीच में क्या हो गया, अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, अंकित मूल्य से आधे मूल्य पे बेचते हैं, यानी 4 में बेच रहे हैं, यानी 4 का अगर दुगना करें तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 8 मिनट हो गया। अब ऐसे भी समझते हैं दोस्तों, 4 का अगर दुगना करते हैं 8 का, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आधे पे बेच रहे हैं, यानी 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया, निकल गया आपका। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम लोग सूची मूल्य पे ही बेचें तो हमारा कितना लाभ होगा, ये हमें निकालना है। तो सूची मूल्य बेचेंगे, यानी 5 में खरीद रहे हैं, 8 में बेच रहे हैं, तो 3 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 5 पे, गुना 100, बराबर कितना हो गया, 60% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 148, जो कि दोस्तों SSC CGL Tier 2 यानी मेंस एग्जाम में पूछा चुका है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 149 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 149 कर रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है और हम लोग छोड़ के आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 किलोग्राम आलू 63 के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है, यदि वह 50 किलोग्राम आलू 247.50 में बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए, ये हमें निकालना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और बहुत ही सॉल्व करने का आसान तरीका है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाना है समझिएगा। तो फ्रेंड्स समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है इस प्रश्न को। जब भी आपको दिखे दोस्तों ऐसा प्रश्न, बहुत ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 12 किलोग्राम आलू 63 के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है, यानी आपको वैल्यू दिया गया कितना, 5% लाभ होता है, यानी 105% का आपको वैल्यू दिया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100% क्या होता है, 100% क्रय मूल्य होता है, और 105% 5% लाभ बेच रहे हैं, 5% लाभ पर क्या कर रहे हैं, 5% बेच रहे हैं, यानी 105% पर कितना दिया गया आपको। तो अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, 30 आलू 12 किलोग्राम आलू है जो 63 के बेचने पे, यानी रुपया बटा क्या करना होगा, आर्टिकल, यानी रुपया कितना है, 63 है, आप बटा में कितना है हमारा, तो 12 किलोग्राम आलू है, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो एक आलू का दाम निकल जाएगा 63/12 निकल जाएगा, जो कि 105% के बराबर है। अब हमें क्या करना होगा, 100% वैल्यू निकालना होगा, तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा दोस्तों 63/12 गुना में 105 बटा में 100, ये तो समझ में आ गया दोस्तों। हम लोग काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, अगर काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 100% है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर चल जाएगा और 105 क्या होगा, 900 नीचे आ जाएगा, तब तो ठीक है। देखिए 1% कितना होगा, नीचे आएगा, 100% निकालने गुना 100 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 12 है 100 है तो काटते हैं हम लोग, 3 से काटते हैं, तो 3 × 6 = 21 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 15 हो गया। फिर से काटते हैं हम लोग, 35 है 12 है तो 2 × 6 = 12, ये 50 हो गया, फिर 7 × 12 में, फिर 10 ×12 में, फिर काटते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 7 × 3 = 12 में, यानी 15/3 आया, यानी कितना आया दोस्तों, 5/1। अब 5/1 आया, उसका कहने का अर्थ क्या है, 5/1 आया, यानी 5 क्या है हमारा, ये रुपया है, ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल, ये बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यानी कितना वस्तु है, 5/1 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, कि यदि वह 50 किलोग्राम आलू 247.50 में बेचे तो उसका लाभ हानि पता कितना होगा, यानी हमारा सीपी कितना आ गया, अगर हम सीपी का बात करते हैं, सीपी हमारा कितना आ गया, 5/1 आया, ठीक है।
अब हमें बोलना है कि 50 किलोग्राम आलू, तो हमें भी दोस्तों जो सीपी है उसको 50 किलोग्राम में चेंज करना होगा। अगर 50 हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा 50, यानी अब हो कितना हो जाएगा हमारा सीपी, तो सीपी दोस्तों हमारा हो जाएगा 250 बटा में 50। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा नया सीपी क्या निकल के आ गया क्वेश्चन मुताबिक कि 50 किलोग्राम आलू हम लोग 250 में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सीपी लिख दीजिए, यहाँ एसपी लिख दीजिए। अब हमारा जो आर्टिकल वो सेम है, तो 50 कितना में खरीद रहे हैं हम लोग, 250 में खरीद रहे हैं 50 किलो आलू, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 किलो आलू है जो हम लोग 247.5 जीरो में बेच रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं, तो 247.5 जीरो में बेच रहे हैं। तो हमें देख रहे हैं हम लोग कि हानि हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सीपी लागत में 250 है 50 किलो आलू का, और 50 किलो आलू हम लोग 247.5 जीरो में बेच रहे हैं, यानी लास्ट हानि कितना का हो रहा है, तो 2.5 जीरो का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, 2.5 जीरो रुपये का हानि हो रहा है। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100, लॉस कितना का हो रहा है, तो 2.5 जीरो का लॉस हो रहा है, कितना पे, 250 पे और गुना में 100। ये पॉइंट हटा, 2 जीरो नीचे हो गया, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 250 से 250 कैंसिल आउट होगा, यानी लॉस परसेंट कितना आ गया हमारा, 1% का दोस्तों लॉस परसेंट निकल गया है। कितना है दोस्तों, 1% का हमारा लॉस परसेंट निकल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, तो कैसे हम लोग बनाए दोस्तों, समझिए फिर से इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, पहले दिया गया था कि 5% बेचने पर, लाभ पर बेचने पर 63 रुपया में 12 किलोग्राम हम लोग क्या करते हैं, आलू को बेचते हैं। ठीक है, तो 105% और कितना हो गया, 63/12 हो गया, यानी एक हमारा निकल के आ गया सेलिंग प्राइस 105% और कितना है, 63/12 है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, क्रैमल निकाली जो कि 100% है, तो 100% निकाले तो कितना आ गया हमारा, 5/1, यानी 5 रुपया में हम लोग 1 किलोग्राम क्या करते हैं, आलू खरीदते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें 50 किलोग्राम का निकालना है, दिया हुआ है कि 50 किलोग्राम जो आलू है वो हम लोग 247.5 दिनों में बेचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लागत मूल्य निकालेंगे 50 किलो आलू का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 रुपया में 1 किलो आलू हम लोग खरीद रहे हैं, तो 50 किलो आलू कितना में खरीदेंगे, तो गुना 50 किए आलू वाला में और रुपया में गुना 50 किए, यानी 250 किलोग्राम हम लोग 250 रुपये में खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि हम लोग बेच रहे हैं 50 किलो आलू 247.5 जीरो में, तो यहाँ कितना का हानि हो रहा है, तो 2.5 जीरो का हानि हो रहा है। तो हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होता है, 2.5 जीरो बटा में 250 गुना 100, यानी 1% का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 149। तो मैंने प्रयास किया दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसको बनाना है। तो आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 150 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 150 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ देते हैं एक बार। एक फल विक्रेता है जो ₹600 में 240 सेब खरीदता है, उसमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उसे फेंक दिया गया, और उसने बचे हुए सेबों को ₹3.50 प्रति सेब की दर से बेचकर ₹198 का लाभ कमाया, तो कितने प्रतिशत सेब फेंके गए ये हमें निकालना है, यानी कितना परसेंट सेब जो फेंका गया दोस्तों ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, लेकिन फंसिएगा इसमें आप, तो कैसे बनाना जो समझिएगा, पहले प्रयास कर लीजिए क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक फल विक्रेता है जो ₹600 में 240 सेब खरीदता है, तो यहाँ ₹600 में टोटल ₹600 है जिसमें दोस्तों 240 सेब खरीदता है। ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न हुआ। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया गया, और उसने बचे हुए सेबों को ₹3.50 प्रति सेब की दर से बेचकर ₹198 का लाभ कमाया। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा कोई सेब खराब नहीं है, ठीक है, मानना है आपको कि कोई सेब खराब नहीं है। ठीक है, तो 240 सेब है, अगर सभी सेबों को 3.5 दिन में बेचते हैं तो कितना का हमारा निकल के आता है मूल्य, ये हम लोग निकाल लेंगे। यानी हम एक्चुअल अगर सेलिंग प्राइस निकालें, अगर कोई सेब खराब नहीं है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहाँ लिख देते हैं, कोई सेब खराब नहीं है, यानी कोई सेब अगर खराब नहीं है, कोई सेब अगर खराब नहीं है तो हमारा कितना रहता है सेलिंग प्राइस, नहीं है तो सभी को हम लोग 3.5 जीरो, यानी 3.5 जीरो क्या ले सकते हैं, 7/2 ले सकते हैं, तो 7/2 अगुना में कितना सेब है, 240, यानी 120, यानी 840 में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं दोस्तों, 840 में बेचते हैं। लेकिन कुछ सेब खराब होने के कारण जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो सेलिंग प्राइस है
वो कितना दोस्तों, तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें 198 रुपये का, ठीक है। कितना का लाभ हो रहा है, 198 रुपये का, यानी हमारा 240 सेब का दाम कितना था, 600 था, जिसमें से हम लोग 198 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी हमें सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, तो 600 प्लस में 198 का लाभ हो रहा है, यानी हमें 798 ही ना है, तो 798 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। जब सेब खराब नहीं होता तो सेलिंग प्राइस कितना था, 840 आता, लेकिन सेब खराब है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 798 आ गया। क्यों, इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सेब खराब था, तो वही हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, एक्चुअल जो है और जो है यहाँ पे खराब होने का कारण है उसका डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा दोस्तों, तो 42 हमारा डिफरेंस आएगा, 42 कितना डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हमें सेब खराब है। अब 42 को क्या करेंगे दोस्तों, 3.5 से, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग 3.5 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको हम लोग 3.5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया हमारा, तो 42 3.5 को हम लिख सकते हैं 7 और 2, यानी 7 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 7 × 6 = 42, यानी दोस्तों हम लोग निकल के आ गया कि 12 सेब ऐसे हैं जो खराब हैं। कितना और सेब ऐसे हैं, तो 12 सेब ऐसे हैं जो खराब हैं। हमें परसेंट में चाहिए, तो परसेंट में निकालने के दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, परसेंट में चाहिए तो 12 सेब खराब हैं बटा टोटल सेब कितना है, 240 है गुना 100, तो कितना आएगा हमारा, 12 × 240 कितना बार में, 20 बार में, अब 20 से 100 5%, यानी 5% दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो फिर से समझते हैं इस प्रश्न को दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 600 रुपया में 240 सेब खरीदे, कुछ सेब खराब था तो हम लोग फेंक दिए उसको, तो हमारा जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 198 रुपये का। अगर हम सेलिंग प्राइस आपसे पूछें तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य कितना है, 600 था प्लस में प्रॉफिट 198, यानी हमारा जो सेब बिका वो 798 में बिका। अगर मान लेते हैं कि हमारा सेब खराब नहीं होता और सभी सेब को 3.5 दिन में बेचते हैं, टोटल सेब कितना है, 240 है, तो 240 गुने 3.5 भी कर सकते हैं, 7 और 2 ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 840 में। अगर कोई सेब खराब नहीं होता तो 840 बेचते, लेकिन सेब खराब है तो हमारा वही सेब कितना बिका, 798 में बिका। तो जो हमारा यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं 42 रुपया, क्यों है, क्योंकि सेब खराब है। तो अब सेब की संख्या निकालने के लिए जो रुपया का डिफरेंस है 42, उसको हम लोग 3.5 जो रुपया जो सेब बेचे हैं एक सेब का उसे डिवाइड करेंगे, तो वहाँ सेब निकल के आएगा जो कि खराब है, यानी 12 सेब खराब था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना परसेंट सेब खराब है ये हमें निकालना है, तो 12 सेब खराब है, कितना टोटल है, 240 है, तो 12 टोटल 12 सेब खराब है और टोटल कितना, 240 है, 12 × 240, अब परसेंट निकालने के गुना 100 करते हैं, गुना 100 कर दिए, यानी 5% सेब है जो खराब है। अगर पूछता कितने परसेंट सेब अच्छे हैं, तो 95% सेब अच्छे हैं, 5% खराब है और 95% अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस पे, और ये दोस्तों पार्ट 30 था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो और सभी क्वेश्चन समझ में आया हो। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक दोस्तों और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।